नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हर साल दिवाली की खुशी भारत तो मनाता है, लेकिन इसकी गूंज चीन में सुनाई देती है। इसका कारण है भारत का बड़ा बाजार, क्योंकि जब दिवाली आती है तो चीन का सबसे ज्यादा सामान भारतीय मार्केट में होता है और लोग लाइट, फुलझड़ी, लाइट की लड़ियों के साथ ही हजारों सामान चीन का भारत में बिकता है और इससे दोनों देशों का फायदा होता है। लेकिन पिछले दो सालों से भारतीय दिवाली पर चीनी सामानों का विरोध होने लगा है और इसका कारण है चीन की दादागिरी और लद्दाख से ना हटना और भारतीय सेना के जवानों की हत्या करना। इसी बीच दिवाली आ गई है और फिर एक बार चीनी विरोध का सिलसिला जारी हो गया है और खबरों की माने तो दिवाली से पहले चीन को बड़ा झटका लगा है और चीनी सामानों के बहिष्कार से ड्रैगन को करीब 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की माने तो चीनी सामानों के बहिष्कार से त्योहारी सीजन में चीन को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कैट ने जारी अपने बयान में कहा कि वर्तमान दिवाली त्योहारी सीजन के मद्देनजर देश भर के बाजारों में ग्राहकों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए व्यापारी वर्ग एक बड़े कारोबार की उम्मीद कर रहा है। दिवाली की बिक्री अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का प्रवाह हो सकता है। कैट ने यह भी कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी कैट ने चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया है और देश के व्यापारियों और आयातकों ने चीन से आयात बंद कर दिया है, जिसके कारण इस दिवाली त्योहारी सीजन में चीन को करीब 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पिछले साल से उपभोक्ता भी चीनी सामान खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिसका कारण भारतीय सामान की मांग बढ़ने की पूरी संभावना है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अभी तक भारतीय व्यापारियों और आयातकों द्वारा दिवाली के सामान, पटाखों या अन्य सामान वस्तुओं का कोई ऑर्डर चीन को नहीं दिया है और इस साल दिवाली को शुद्ध रूप से भारतीय दिवाली के रूप में मनाने का फैसला किया है। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक रक्षाबंधन के दौरान चीन को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और गणेश चतुर्थी में 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और यही चलन रहा तो दिवाली में भी चीन को भारी नुकसान होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है चीन के साथ और क्यों भारतीय गुस्से में हैं। अब देखना होगा कि आगे चीन सुधरता है या इसी तरह अपनी हरकतें जारी रखता है।